हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजय कुमार एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऑफ माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट। आई एम हियर विद नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर जस्ट डीलिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि हम लोग जो है चैप्टर वन को डील कर रहे हैं, और चैप्टर वन में हम लोगों ने अभी तक जो है वो सिर्फ उस कंसेप्ट को कवर किया कि हाउ वी कैन कैटेगराइज और हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ओके, अब जो है हम लोग ये इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। हम लोग बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है बेसिकली? बायोडाइवर्सिटी जो है मीन्स द नंबर और द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आपके आसपास जो है इतने टाइप्स के प्लांट्स हैं, इतने टाइप्स के एनिमल्स हैं, एक छोटे से छोटा इंसेक्ट और या एक बड़ा जानवर या एक ह्यूमन बींग को हम लोग ले लेते हैं। सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, नॉट कैटेगरीज वी कैन से, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन टू पर्सन वी आर हैविंग द डिफ्रेंशिएशन विद इन अस। तो ये जो डाइवर्सिटी है दिस टाइप, ये जो मीन्स अगर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपके आसपास प्रेजेंट हैं इन दिस वर्ल्ड, दे आर कंसिडर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी। ओके ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और देखो अगर हम लोग टोटल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, सो दे आर, इफ आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ स्पीशीज, देर आर नियर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन और मोर देन दैट। ठीक है, तो अब इन इतनी सारी स्पीशीज को कैसे हम लोग लर्न करेंगे, हम लोग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा जो एनिमल है या कौन सा प्लांट जो है वो किस फैमिली को, या उसको उसको कैसे लर्न करेंगे? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए थे, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। तो ये सारा का सारा जो है दिस इज कंसिडर्ड इन द टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ये एक कंबाइंड टर्म हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सोनॉमी, इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन देन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको सपोज करेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई एनिमल ऐसा मिला है, आप सबसे पहले उसमें पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग उस एनिमल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा एनिमल आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ था आज से पहले, ठीक है, इन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में। फिर उसके बाद अगर वो नहीं हुआ है तो दैट मीन्स कि वो टोटली न्यू है वो, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की जाएगी बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरेक्टर्स। तो ये जो सारी चीजें जो है ये कंसिडर होती है आपकी टैक्सोनॉमी के अंदर। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इफ यू टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक कंप्राइजेस टू वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। नंबर वन इज योर सिस्टमा, मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू अरेंज दैट थिंग, एंड मैटिक्स मीन्स स्टडी। सो यू आर जस्ट गोइंग टू अरेंज द एनिमल्स और द प्लांट्स और द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द स्टडीज। अब उसमें आप लोग उस स्टडीज में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। उसको पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ठीक है। एंड दिस टोटल प्रोसेस वॉज बेसिकली स्टार्टेड, और वी कैन से कि जो ये सारा कंसेप्ट आया था टैक्सोनॉमी का, ये कंसेप्ट जो लाया थे दैट ही वॉज द पर्सन, ग्रेट साइंटिस्ट वी कॉल इट एज, इट्स अ कैरोलस लिनियस, और उनकी जो बुक है सिस्टम एंड नेचुरी, जो कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। उन्होंने अपने टाइम में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी इन हिज पर्टिकुलर बुक सिस्टम एंड नेचुरी। ओके, अब हम लोग जो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग इन सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग सिर्फ पहले बेसिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे कि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सोनॉमी, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स which has to be covered in this taxonomy. Okay, if you're talking about the taxonomy, you first we are supposed to categorize that organism, okay? Then next one is we have to just identify based on the characters. Character means you can just observe from the outside external character as well as the internal characters. Then we are based on that identification, we are going to classify that organism into the group, and then final step, nomenclature.
नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा जिससे कि वो वर्ल्ड वाइड जो है वो उस नेम के थ्रू जो है वो सभी पर्सन को नोन होगा। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इन इन प्रोसेसेस में हम लोग जो ये 4 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, सो दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब इसमें जो नंबर वन है आपका कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंड करते हैं उनके कैरेक्टर्स को, जैसे हम उनको एक्सटर्नली उनके एक्सटर्नल फीचर्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो कि इंटरनल हम लोग इंटरनल स्टडीज में कंसिडर करेंगे, वो डेवलपमेंट उनकी जो वे ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, वो किस टाइप के एनवायरमेंट में रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका वे ऑफ बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये कैरेक्टराइजेशन में आती है। तो पहले उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, ऐसे एनिमल्स को या प्लांट्स को उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उनको कैटेगराइज करने की कोशिश की जाती है, उनके कैरेक्टर्स को चेक किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट्स जस्ट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को करेक्ट डिस्क्राइब क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आगे चलकर उसको एक पर्टिकुलर नेम देना है, हम उसको एक क्लासिफिकेशन, उसको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप देंगे, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसको एक प्रॉपर वे में, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, हम लोग जितनी इजिली हम लोग बात करें इतना ईजी नहीं है ये स्टेप, लेकिन ये टाइम लेता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसका एक एक एस्पेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद उसको नोट डाउन करके उसकी फर्दर स्टडीज की जाती हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर आगे रिकॉर्ड बन सके, क्योंकि दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। आप देखो आपने कैरेक्टराइज कर लिया, आपने सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, आपका डाटाबेस आ गया, अब आप उस चीज़ को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि वेदर वो जो आपके सामने था, अब जैसे मैंने तो एग्जाम्पल लिया एनिमल का, तो अब एनिमल में ही हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, सपोज करके जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है कि 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सो वी आर हैविंग अ प्रोकैरियोट्स, देन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया कि एक हमें कोई न्यू एनिमल मिला, अब हम एनिमल्स के अंदर भी उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको ग्रुप ग्रुप वाइज हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, जो भी आपने कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे उसकी बेस पे अब आप उसको ग्रुप में क्लासिफाई करने जा रहे हैं, आप उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है हमारा, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करना, हम जो है वो नेम प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, इट मे बी प्लांट, मे बी एनी एनिमल और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंगिफेरा इंडिका, तो मैंगिफेरा इंडिका जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ये जहाँ भी अगर आप लोग मैंगिफेरा इंडिका के बारे में बात करेंगे तो उनको पता है कि ये मैंगो है, बट अगर आप मैंगो की बात करते हैं तो इंडिया में मे भी वो मैंगो के नाम से उसको जानते होंगे या किसी दूसरी कंट्री में जानते होंगे, लेकिन सारी जगह ये चीज़ें नहीं पता, तो इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस चाहिए, एक प्रॉपर एक सिस्टम होगा हमारा जिसके तहत जो है हम लोग उसको नेम करें, उसको नेमिंग करेंगे, उसको नमून, उसको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर, इट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें जो है इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कमिटीज होती हैं जो इन चीजों को करती हैं। ओके, बट टॉकिंग अबाउट द दिस नेमिंग प्रोसेस एंड ऑल दिस थिंग, दिस नेमिंग प्रोसेस कम्स अंडर अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ये सबसे पहले ही प्रपोज जो किया था, इट वॉज प्रपोज बाय लिनियस, इट्स अ कैरलस लिनियस, ठीक है। अब इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहा गया, बिकॉज इट कंटेन्स टू कॉम्पोनेंट्स, बाइनो बाई मीन्स टू कॉम्पोनेंट्स। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बेसिक चीज क्या है। देखो हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग अगर ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो हम लोग दो ग्रुप्स को प्रेफरेंस देते हैं, वन इज एनिमल एंड अनदर वन इज प्लांट, ठीक है। तो हर एक, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि इस हर एक चीज की नेमिंग करने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए वे कमिटीज होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स,
तो प्लांट्स का जो ये नोमेनक्लेचर जो पूरा हैंडल करते हैं या जो स्टडीज करते हैं, ये आता है आपका आईसीबीएन के अंडर। आईसीबीएन मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये रिस्पॉन्सिबल है उसके नोमेनक्लेचर के लिए, उसकी नेमिंग के लिए, ठीक है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, फॉर द एनिमल वी आर हैविंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज आईसीजेडएन। ये इनकी अंडर जो है इन सारी ये सारी रिसर्च वर्क होती है, एंड योर आईसीजेडएन इज इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये नोमेनक्लेचर्स यूज किए जाते हैं और इनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग फर्दर नेम प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैंगो के लिए मैंगिफेरा इंडिका है, वहीं पे आपके टाइगर के लिए जो है पैंथरा टाइग्रिस है। तो अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल मीन्स टू नेम्स, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। हम लोगों ने पहली बात की कि योर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज द प्रोसेस विच वॉज प्रपोज बाय कैरोलस लिनियस, ओके। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका मीन्स मैंगो, और होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है, ठीक है। तो अब इसमें रूल्स क्या हैं, हम कैसे इन इन नेम्स को जो है वो दुनिया के सामने लाते हैं, कि वो किस तरह किस बेस पे हम इनको डिसाइड करते हैं। देखो जितने भी आपके साइंटिफिक नेम्स लिए गए हैं बेसिकली दे आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। अब यहाँ पे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर लैटिन लैंग्वेज ही क्यों लिया उन्होंने, क्यों नहीं हिंदी से लिया, संस्कृत से लिया, फ्रेंच से लिया, जर्मन से लिया। देखो लैटिन लैंग्वेज जो है वो बहुत टाइम पहले बंद हो चुकी है वो लैंग्वेज, ठीक है। तो अब उसमें जो वर्ड्स हैं दे आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट बी चेंज फर्दर। जो लैंग्वेज आपकी फैशन में है, जो मतलब कि जो अभी चल रही है, उसमें क्या होता है डे बाय डे जो है चेंजेस आते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन में, उनकी मीनिंग्स में, उनकी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत चेंजेस आते हैं। लेकिन लैटिन लैंग्वेज जो है वो बहुत पहले इसका यूज बंद हो चुका है, तो अब ये वहां से वर्ड जो भी लेंगे वो उस वर्ड का कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो द वर्ड शुड बी फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट और टाइप्ड, नॉट राइट, वेन एवर वी आर गोइंग टू टाइप वी आर सपोज टू टाइप इट इन इटैलिक्स। तो हम लोग जो है इन साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक्स में टाइप करते हैं, और अगर हम लोग इसको हैंड रिटन लिखते हैं सो वी आर जनरली यूज टू अंडरलाइन, और उसमें भी वो सेपरेटली, मतलब एक वर्ड जो है उसको अंडरलाइन किया जाएगा फिर सेकेंड वर्ड को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। ये नहीं कि एक ही अंडरलाइन में आप पूरे वर्ड को डिनोट कर रहे हैं, नो इट्स अ रॉन्ग थिंग। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप हैंड रिटन कोई भी साइंटिफिक टर्म लिखते हैं यू आर सपोज टू अंडरलाइन वर्ड बाय वर्ड, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग बात कर रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, और मैंने पहले ही बोला था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स मींस टू नेम्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेम्स द फर्स्ट वर्ड इज नोन एज जीनस, ओके, इट्स अ जेनरिक नेम, एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज और द स्पेसिफिक एपिथेट और द स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो जो पहला वाला वर्ड होगा आपका वो जीनस होगा, और जो सेकंड वाला वर्ड होगा वो आपका स्पीशीज होगा। अब इसमें क्या चीज है, इसमें भी एक हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग जीनस जो वर्ड लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल, बट इन द केस ऑफ स्पीशीज यो अल्फाबेट्स आर स्मॉल, स्मॉल अल्फाबेट्स मीन्स दे शुड बी रिटन इन द स्मॉल लेटर, ठीक है। सिर्फ कैपिटल का ध्यान रखना है हमें जीनस वर्ड के अंदर, बाकी स्पीशीज और बाकी जितने भी रिमेनिंग जीनस के अल्फाबेट्स हैं दे आर सपोज टू बी रिटन इन द स्मॉल लेटर, ओके। इस चीज को स्पेशल ध्यान देना है आपने। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आया था उसी टाइम कि वी आर हैविंग अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर वहां पे एक और कंसेप्ट था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या है कि अगर इफ यू वॉन्ट टू ऐड कि सपोज कि मैंने कोई चीज डिस्कवर की और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी उसके साथ ज्वाइन किया जाए, तो वहां पे वो ट्राइनोमियल नॉमिनक्लेचर का सिस्टम था। अब उसमें क्या होता था कि जो ऑथर का नेम है उसका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म जो है उसके साथ ऐड कर दिया जाता। सपोज इन दिस केस होमोसेपियंस दिस नेम वॉज गिवन बाय लिनियस, ठीक है। तो इसमें आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कि इट्स अ होमोसेपियंस लिन, लिन मीन्स लिनियस, इट्स अ ऑथर नेम। मैंगिफेरा इंडिका लिन मीन्स लिनियस। तो अगर आपको वट एवर जो योर नेम इज उसके भी फर्स्ट या थ्री या फोर लेटर्स जो है वो उसके साथ थर्ड एज अ थर्ड नेम जो है वो वहां पे ऐड कर दिया जाएगा या कर दिया जाता है, जिसके बेस पे वो जो प्रोसेस बन जाता है वो बन जाता है हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर विच कंटेन्स थ्री कॉम्पोनेंट्स, और इन सिंपल वर्ड विच कंटेन्स थ्री डिफरेंट नेम्स, ठीक है।
तो इस तरह से ये सारे का सारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो किया जाता था।